आज के शो में आपने तो धमाल कर दिया, कमाल कर दिया, एंकरिंग किया और गजब को किया, मेरे पास शब्द नहीं। थैंक यू सो मच। कितना तैयारियां करना पड़ा था, वो कितनी तैयारी? देखिए, सबसे पहले मैं अपने भोजपुरी दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगी। मैं एक्ट्रेस रितु सिंह और मैंने इस सबरंग महोत्सव में जो ये सेकंड अवार्ड फंक्शन हुआ तो उसमें मैंने एंकरिंग की, इस शो को होस्ट किया मैंने और प्रियेश जी ने, और बहुत अच्छा सा माहौल बना था, एकदम रंगीन माहौल था। सारे कलाकार यहाँ आए हुए थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, रवि किशन जी भी, बड़े बड़े कलाकार दिनेश जी भी आए हुए हैं, सबका चल रहा है, बहुत अच्छा मजा आया। और मेरे लिए तैयारियां ये थी कि 3-4 दिन से हम तो बस डांस की तैयारी कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस हम दिए और कुछ परफॉर्मेंस हमें ऑन द स्टेज अभी तुरंत देना पड़ा लेकिन अच्छा लगा, आप लोग का आशीर्वाद है और बहुत अच्छे से हमने संपन्न किया इस प्रोग्राम को। और आने वाली फिल्में की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी रिलीजिंग पे मूवी है मेहंदी लगा के रखना, मायके चलो बाबूजी के दुलार और ओ साथी रे, ये मूवी रिलीजिंग पे है। और आज मैं बताना चाहूंगी कि सपेरा मूवीज जिसने स्टार्टिंग की थी उसको बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मुझे, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने दर्शकों के लिए, इतना प्यार दुलार दिया, ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मूवी और शूटिंग के लिए है, पर मैं भी